सो हे गाइस, व्हाट इज अप, दिस इज ज़ेफ काजी बैक विद अनदर वीडियो। ओके सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग घर बैठे अपने बालों को कैसे कलर कर सकते हो या फिर हाईलाइट कर सकते हो, वो भी जस्ट 30 रुपए में, डोंट ओनली 30 रुपीज, है ना शॉकिंग। सो गाइस, लाइक जो जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो लोग को पता होगा कि मैं लाइक मेरे बालों को कितना कलर करते रहता हूँ, या फिर मेरे बालों पे लाइक मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ आए दिन। एंड मैंने बहुत टाइम से वैसे तो अभी किया नहीं है, एंड लॉकडाउन में मैंने मेरे बाल भी कटा लिए थे, सो इसकी लेंथ भी बहुत कम है फिलहाल तो, लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों को बताने के लिए एक ट्रायल वीडियो या फिर ट्रायल वीडियो करने वाला हूँ। और गाइस, मैंने घर पे बहुत बार किया है कलर, और वो डूड बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस, और बहुत अच्छा वॉर्म कलर हुआ था डूड। लाइक मैं यहाँ पे कुछ फोटोज दिखा दूंगा, और जो जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो लोग तो देख चुके हुए ऑलरेडी। सो जो जो नहीं करते हैं फॉलो, जाओ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और डूड सब्सक्राइब करो। ओके ऑलराइट, सो चलो चल के शुरू करते हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कैसे करते हैं हेयर कलर। ओके सो गाइस, आज मैं यूज़ करने वाला हूँ स्ट्रीक का हेयर कलर, जो कि आप लोग को मार्केट में इजीली मिलता है, और ये है डेवलपर। और डूड मैं बता दूँ, ये हेयर कलर है एक्स्ट्रा लाइट ब्राउन, आप लोग देख सकते हो। और आई वैसे ये मार्केट में मिलता है 100 रुपीज़ का, और ये है 150 का। सो आप लोग सोच रहे हो कि मैंने लिखा हो 30 रुपीज़ में है कलर, सो आप लोग को 30 रुपीज़ के पैचेस भी मिल जाते हैं उसमें कलर में। और ये मैं इसीलिए लेके रखा हूँ जस्ट बिकॉज मैं करते रहता हूँ ओपनली कलर। एंड आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर ये भी आप लोग लेते हो तो डूड ये कम से कम 4 से 5 बार आप लोग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये इसमें मैंने ऑलरेडी 2 बार हेयर कलर कर चुका हूँ ये कलर से, एंड ये अभी भी बचा है कि मैं और 2 से 3 टाइम कर सकता हूँ। सो भाई ओके सर, इसमें बता दो आप लोगों को कितना कितना यूज़ करना है डूड। वैसे तो बॉक्स पे लिखा होता है जो कि 1:1 रेशियो, सो इस पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। सो अगर ये 1:1 है तो आप लोगों को ये भी जितना ले रहे हो कलर, सो उसका ही उतना ही क्वांटिटी में डेवलपर लेना है। ओके सो चलो ओके सो गाइस, मुझे आज पूरे बाल को हेयर कलर नहीं करना है मेरे, जो कि मेरे को सिर्फ हाईलाइट करना है। सो मैं ये पेन लूँगा, और जो जो बाल मुझे करना होगा मैं उससे बाहर निकाल के लाइक इतना इतना, अगर मेरे को ऐसा हाईलाइट्स करना है तो मैं इतना निकाल लूँगा, इस पर करके इसको डायरेक्टली इससे पुश कर सकता हूँ। ओके सो गाइस, आप लोग शुरू करने से पहले आप लोग अपने हाथ में ग्लव्स पहन लो। वैसे तो मेरे पास ये प्लास्टिक वाला है, आप लोग नॉर्मल कोई भी यूज़ कर सकते हो मेडिकल पर जो मिलता होगा, क्योंकि ये सब ब्लीच होता है, बॉन्ड होता है, तो इससे हाथ पे इफेक्ट पड़ सकता है आपकी स्किन पे। तो ऐसा पेन के ही करो डूड। शुरू करने वालों, एनो में काफ़ी वियर्ड दिख रहा हूँ, बट लाइक मेरे को जो जो बालों पे करना है मैंने वो बाल बस बाहर निकाल दिए, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे को मैं डायरेक्ट नीचे से मैं नहीं करता हूँ मेरे बालों का हेयर कलर, मैं हाफ पे से करता हूँ। ओके सो गाइस, आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर आप लोग अगर पूरे बाल को अपने कलर कर रहे हो तो वो बहुत इजी होता है, आप लोग उसको पीछे की तरफ फेंक सकते हो, बट अगर आप हाईलाइट्स कर रहे हो तो ये सब बाल आगे आ जाते हैं। एंड डूड, अगर आप हाईलाइट्स कर रहे हो तो आप लोग फॉइल पेपर यूज़ करो, मेरे पास था अभी है नहीं, पता नहीं मिल नहीं रहा इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे आता है इसलिए मैं ऐसा यूज़ कर रहा हूँ। बट आप लोग डूड प्लीज़ फॉइल पेपर यूज़ करके करो, वरना ये आँख में चले जाता है। अब मैं इसको मेरे मतलब मेरा मेमे को पता है कि मेरे आँख में नहीं जाएगा, तो मैं इसलिए इसको ऐसे ही मेंटेन रखा हूँ। बट आप लोग कर रहे हो तो डूड उसको फॉइल पेपर से रैप करके उसको सब नीचे फेंक सकते हो, कहाँ भी रख सकते हो। ओके सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा कलर हो चुका है पूरा, एंड मैंने जहाँ यूज़ किया था वहाँ पर प्रॉपर आ चुका है कलर मेरा। एंड मैंने यूज़ किया था एक्स्ट्रा लाइट ब्राउन, सो आप लोग की मर्जी, आप लोग जो यूज़ करना है लाइक प्रॉपर ब्राउन यूज़ कर सकते हो। सो उसके लिए आपको ब्लीचर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैंने मेरे फोटो में दिखाया था जो कलर था वो प्रॉपर कलर वैसा आएगा। एंड मैंने लाइट इसलिए किया क्योंकि मुझे प्रॉपर ब्लॉग शूट करना था सलून में जाके एक प्रॉपर हेयर कलर करने का, सो इसलिए मैंने पूरे बाल को कलर नहीं किया, मैंने सिर्फ हाईलाइट किया आज। एंड डूड ये अच्छा लग रहा है, और ये और लाइट होगा तो और अच्छा लगेगा। सो आप लोग देख सकते हो वार्म कलर हुआ है, हाईलाइट भी प्रॉपर ऐसा लग रहा है सलून में क्यों नहीं जाके। डूड आई एम सो टैलेंटेड यार। ओके सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड गिव अ बिग थम्स अप। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, पीस आउट ब्रो।